Hi friends, subscribe to our channel and click bell icon button to get all notifications. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कालम राइस का यहाँ पे कर रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे मोइन करेक्ट पकड़ो उसको चकले में नीचे, हाँ वहाँ पे देखो 3 फीट का आ रहा है, नीचे टेप करेक्ट पकड़ो आप, हाँ नीचे नीचे पकड़ो हाथ से, हाँ पकड़ो बस है। हाँ तो दोस्तों जैसा कि एक सेकंड ऐसे ही रहो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट से यहाँ नेटल के बॉटम से ऊपर हाइट 3 फीट पे लेकर ट्यूब लेवल ले लेंगे हमारे मोनो तुम। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बॉटम से लेके ऊपर जो मार्क किया है वहाँ से हम ट्रांसफर करते हैं पाइप, जैसा कि देख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, हाँ सेट करो भाई, हम रफी भाई सेट कर लो, हाँ एक सेकंड आ रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पॉइंट को हमारे रफी भाई यहाँ पे वर्कर्स हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये कर रहे हैं। इस वीडियो पे बने रहिए आप। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से सभी पॉइंट को हम ट्रांसफर करते हैं और कालम यहाँ पे राइज करते हैं। सो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम क्या एक पॉइंट लेते हैं, कौन सा भी पॉइंट, नेंटल से एक पॉइंट लेके सभी जहाँ पे भी यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं सभी जगह यहाँ पे वो पॉइंट को हर पेटी पे हर बॉक्सेस पे वो पॉइंट को लेके ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों। वो हिसाब से हमारा उसके अंदर कॉन्क्रीटिंग पोर होगा और उसके अंदर कॉन्क्रीटिंग कंकर आएगा। तो दोस्तों टोटली वहाँ से लेके वहाँ तक हमारा 3 फीट आएगा दोस्तों हमारा मटेरियल्स। तो दोस्तों हमको कितना मिल जाएगा, 7 फीट वो हो जाएगा नेंटल तक, 7 और 3 फीट 10 फीट हो जाएगा। हमारा जो स्लैब का जो हाइट है दोस्तों वो 11 फीट 3 इंच है। तो अपने को कितना मिल रहा है ऊपर यहाँ पे हो जाएगा मार्क, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे अपने को मिल रहा है यहाँ पे 10 फीट और ऊपर 11 फीट ग्राउंड, नीचे जो फर्शी है हमारी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम से ऊपर स्लैब तक 11 फीट 3 इंच हाइट हो रहा है। तो यहाँ पे 10 फीट हो रहा है, 10 फीट तक यहाँ तक कंक्रीट आएगा, उसके ऊपर 15 इंच का दोस्तों ड्रॉप बीम आएगा, जो स्लैब में से जो बीम आता है ना वहाँ से 15 इंच का बीम आएगा ड्रॉप बीम। तो दोस्तों 15 इंच का ड्रॉप बीम आएगा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 15 इंच यहाँ पे कंक्रीटिंग नहीं कर रहे हैं, खाली 10 फीट तक हम यहाँ पे कंक्रीट कर रहे हैं और 15 इंच छोड़ रहे हैं। उस स्लैब में से दोस्तों ड्रॉप बीम आएगा, वहाँ पे इंटरकनेक्ट होगा, उसके बाद दोस्तों अपना स्लैब के बाद उसके अंदर से फिर दोस्तों क्या हम राइज करेंगे कॉलम राइज करेंगे। सो दोस्तों जैसा कि इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह से सभी जगह मार्क किया है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ तक कंक्रीट आएगा देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जूम करता हूँ ये लेवल तक दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं जूम कर रहा हूँ इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो ऊपर का जो लेवल यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, मैं फिंगर बताता हूँ एक सेकंड देखिए आप, ये जो फिंगर है मेरा वो ऊपर वाला वहाँ तक हमारा कॉन्क्रीटिंग होगा वहाँ तक, इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे भी। सो दोस्तों देख सकते हैं ये पार्ट टू है दोस्तों, कालम जो हम ये करते हैं राइस करते हैं कॉन्क्रीटिंग, कालम राइस करते हैं कॉन्क्रीटिंग करते हैं इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पे सेंटरिंग का भी वर्क हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे वर्कर्स यहाँ पे प्लेट बिठा के यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग करेंगे, प्लेट बिठा रहे हैं कालम राइस करने के वास्ते, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें
स्टार्टिंग का एक रेफरेंस पॉइंट लेना रहता है। जैसे कि हम रेफरेंस पॉइंट हम प्लिंथ बीम से भी ले सकते हैं और हम चाहे लेंटल से भी ले सकते हैं। प्लिंथ बीम से लेंगे तो दोस्तों हम टोटल कितना हमारा 11 फीट 3 इंच होगा। 11 फीट 3 इंच में से हम 15 इंच इसमें डिडक्शन माइनस करके कितना आता है दोस्तों, वो उतना हम नीचे ले लेंगे। या दूसरा मेथड बोलते दोस्तों हम क्या करेंगे, लेंटल लेवल से 3 फीट हाइट ले लेंगे, 7 और 3 10 फीट हो जाएगा और अपना 11 फीट 3 इंच 15 इंच बन जाएगा। 15 इंच में से दोस्तों हम भी ये कर सकते हैं, बीम बना सकते हैं, 15 इंच का भी बीम ले सकते हैं और 12 इंच का भी हम बीम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों लोड ट्रांसफ़र हुआ है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे कंक्रीटिंग वगैरह स्टेयरकेस का, छज्जे का, लिंटल का सभी हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो दोस्तों अपने नेक्स्ट दोस्तों से स्लैब के बारे में होंगी, बीम के बारे में होंगी, बीम के सरिया के बारे में होंगी। तो इंशाल्लाह हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अफरोज, यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों आज की अगर हमारी टॉपिक आज की जो हमारी टॉपिक आपको समझ में आई है तो उसे प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों हम इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं और हमारे व्यूवर्स हैं और बिल्डिंग ओनर हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कंप्लीट देखना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।